रस्ते दे हालात संगत आ रही है, तो संगत को इन्हों हालातों के रस्ते दे विचों नहीं निकलना पै रहा। तो इतों के लोगों का यह भी कहना है कि वह कई बार जो बी डी पी ओ है उन्होंने नाल गल कर चुके हैं, उन्होंने लिखती मंग पत्र दे चुके हैं, गड्डिया पानी के पिछों निकल रही ने, बजुर्ग जड़े ने जा बच्चे जड़े तुसी देख सकते हो, संगत जी आ रही है गुरुद्वारा साहब बड़ी मुश्किल के नाल इस पानी के चिक्कड़ के पिछों की उन्होंने जोड़ा है उन्होंने निकलना पै रहा। कहोंगा कैमरामैन कि इधर तुम देख सकते हो कि संगत लगातार आ रही है, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर जोड़ा गुरुद्वारा साहब हैगा इतने, तो पर फिर भी जोड़ा है इन्होंने वालों कोई भी इसका हल नहीं क्ढ़िया जा रहा। ये तुम हथ के मंग पत्र फड़े हुए थे पहल, कितने कितने मंग पत्र दिता है हूँ इस रस्ते के संबंध में? अं बेनती करना चाहते हाँ, इस तो पहले अं डीसी साहब ने बेनती की, वीडियो कॉल 4 बार लगभग जा चुके हैं, उन्होंने हर बार सू दसा भी थोड़ा हल कर दिया जाएगा, पर मौके से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगभग 1 फुट तो 1.5 फुट पानी पूरी सड़क से खड़ा रहा, नहीं तो अं लोग जोड़े इस इतों के वसनीक हाँ खास करके लोकल आदियाँ चोणों से बाइकट करके कोई यहोजा सरकार खिलाफ करा खड़ा मोर्चा जरा हल हो सके। कोई इन्नी परेशानी हो रही है, जेहड़े हैंडीकैप साइकिल ते जा रहे हैं जिस तरह बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत नाल उत्थे बेचारे डरते रुक जाते हैं भी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, तो मैंने एक तो अच्छ समझ नहीं लगी इन्ने लीडर लंघ रहे हैं इतों के जोड़े समती मैंबर बनाए ने, पता नहीं उन्होंने की लभन, तो इतने हेठा तो वेखता कोई नहीं है भी पानी की किन्नी प्रॉब्लम पैंती, बहुत ज़्यादा संगत को दिक्कत पै रही है जी। गलड़ी विखे के नाल ही जिहड़ा हैगा बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहब जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी का गुरुद्वारा साहब है, जिथे लखां दी गिणती दे विच जिहड़ी संगत हैगी आ महीने दे विच नतमस्तक हुंदी है, ते असीं तुहानूं दिखाउणा चाहांगे कि रस्ते दे हालात जिहड़े ने तुसीं देख लो, मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि दिखा दिओ रस्ते दे हालात, संगत आ रही है ते संगत नूं इन्हां हालातों दे विचों रस्ते दे विचों नहीं निकलना पै रहा। तो इतों के लोगों का यह भी कहना है कि वह कई बार जो बी डी पी ओ है उन्होंने नाल गल कर चुके हैं, उन्होंने लिखती मंग पत्र दे चुके हैं, उन्होंने दस चुके ने कि ये रस्ते की यह हालात है जितों संगत का लंघना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी जोड़ा है उन्होंने वालों इस वाल ध्यान नहीं दिता जा रहा। तो गल करके जानते हैं जी पिंड वासियों के नाल, तो उन्होंने पूछते हैं कि यह जोड़ा रस्ता है संबंधी तुम कितने कितने तो किस किसम जो मंग पत्र आ दे चुके हो, अग खड़े ने जी पिंड के लोग खड़े ने इन्हों गल करके जानते हैं। आओ सर आओ जी, इतने ये तुसी हाथ दे विच मंग पत्र फड़े हुए थे पहले, हाँ जी, तो ये कितने कितने मंग पत्र दिता है हूँ इस रस्ते के संबंध में? अं बेनती करना चाहते हाँ, इस तो पहले अं डीसी साहब ने बेनती की, वीडियो कॉल 4 बार लगभग जा चुके हैं, उन्होंने हर बार सू दसा भी थोड़ा हल कर दिया जाएगा, पर मौके से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये इतने गुरुद्वारे का मेन रस्ता पिंड गलड़ी के अड्डे तो टाली साहब गुरुद्वारा तक जाने सारी संगत स्कूल के बच्चे जो भी जाते उन्होंने कपड़े गंदे होंगे आ छिटा पैदा लंघना बड़ा औखा होता, लगभग 1 फुट तो 1.5 फुट पानी पूरी सड़क से खड़ा रहा, यदा कृपा करके कोई हल किया जाए, नहीं तो अं लोग जोड़े इस इतों के वसनीक हाँ खास करके लोकल आदियाँ चोणों से बाइकट करके कोई यहोजा सरकार खिलाफ करा खड़ा मोर्चा भी जरा यदा हल हो सके कोई सदा वास्ते, तो अं बेनती करते फिर भी पुरजोर ये खास ख्याल दिता जाए, तो हाँ मसला जरा हल किया जाए, ये हाँ नहीं बल्कि इलाके का मसला, काफ़ी संगत इतों लंघती है तो बड़ी मुश्किल है। एक काफ़ी जिहड़े हैगे ने साइन किए हुए हैं जी पिंड के लोगों ने, तुसीं देख सकते हो कि पिंड के पूरे लोगों के जिहड़े साइन ने वह इहदे उपर हैगे ने, इहदे विच जिहड़ा एको तारा डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर नूं दिता गया, बी डी ओ दरंगला शमशेर सिंह हलका इंचार्ज आप नूं वी इहदा उतारा जिहड़ा दिता गया, तो सरपंच ग्राम पंचायत जिहड़ा गलड़ी उहनां नूं वी इहदा एको तारा दिता गया, पर इहदे हल होण दा जिहड़ा तुहानूं की लगता जी पिछलियां सरकारां वल्लों कहा गया सीगा कि जिहड़े गुरु घर ने उत्थों तक जिहड़ी आ सड़कां पक्कियां होणियां चाहीदियां ने ते लोकां दे जाणा सुखाला होणा चाहीदा? इस तों पहलां जी अहीं अरुणा चौधरी जदों MLA थे उन्होंने 2-3 बारी बेनती कर चुके हैं कि यह गंद कढ़िया जाए, सानू उम्मीद बहुत ही आने वाली है मौजूदा सरकार तो भी ये जरा मामूली गल पैसे की इतने कोई एड्डी खर्चा नहीं हो छोटा कम है, पर किसी ने भी ये इतों की बड़े बड़े लीडर भी लंघते हैं कई को लंघते हैं पर किसी ने ये वाल ख्याल नहीं दिता, अं पुरजोर बेनती करते हैं भी हाँ मसला हल किया जाए, जे मसला हल नहीं होंगे तो अगला एक्शन जिदा तुम्हें दसा की एक्शन करन दी तैयारी? फिर यही है जी अं चोणों का बाइकट करांगे। तुसी देखा जी कि लोग इन्ने दुखी हो चुके ने, इन्होंने कहा कि चोणों का बाइकाट आ जिहड़ा कीता जाएगा, मैं कहांगा कि दिखा दिओ किदां लोगों नूं जिहड़ा हैगा खड़े हो के जाना पै रहा, गड्डियां पानी दे विचों दे निकल रही ने, बजुर्ग जिहड़े ने जां बच्चे जिहड़े आ तुसी देख सकदे हो संगत जिहड़ी आ रही है गुरुद्वारा साहब बड़ी मुश्किल दे नाल इस पानी दे चिक्कड़ दे विचों दी उन्हां दा जिहड़ा हैगा उन्हां नूं निकलना पै रहा। तो जे इत्थे कुछ इहो जिहा घटना वापर जांदी जिवें पहलां पनियाड दे कोल इक घटना वापरी सीगी कि डिगण दे कारण गंभीर सट्टां लग गईआं सीगीआं, जे इहो जिही कोई घटना वापरी है तो उहदा जिम्मेवार कौन होवेगा, संगत को गुरुद्वारा साहब तक जाने के लिए जी दिक्कत आ रही है कि जेडे सरकारां दे वादे ते दावे सीगे वो खोखले ही साबित हो रहे हैं, होर भी पिंड वासियों के नाल गल करके जानते हैं, मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि एक बार इधर आ जाओ गल करके जानते हैं।
हाँ जी जिदा दस्या जी सरदार साहब हुणा ने कि इतने काफ़ी बार जिहड़े हैगा मंग पत्र दे चुके हैं तो उन्होंने की लगता कि बी डी ओ साहब ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। बी डी ओ साहब न पिंड के पंचायत मैंबर भी काफ़ी हरी गए ने, सीनियर मैंबर भी काफ़ी हरी गए ने। बी डी ओ साहब मैं ये नहीं समझ लग रही कि बी डी ओ साहब भगवंत मान का फोन तो नहीं कि देना सड़क बनाने वास्ते। इन्नी परेशानी हो रही है जेडे हैंडीकैप साइकिल पर जा रहे हैं जिस तरह बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत उसे बेचारे डरते रुक जाते हैं भी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो मैंने एक तो अच्छ समझ नहीं लगी इन्ने लीडर लंघ रहे हैं इतों के जोड़े समती मैंबर बनाए ने पता नहीं उन्होंने की लभण इतने हेठां तो वेखदा कोई नहीं हैगा भी पानी की किन्नी प्रॉब्लम पैंदी। बहुत ज़्यादा संगत को दिक्कत पै रही है जी, सारा इलाका गुरदासपुर जिला बटाले अमृतसर तक संगत आ रही है जी, तो इन्नी परेशानियां जो लंघना पैंदे आ बहुत प्रॉब्लम पैंदी पई है जी। जिदा कि इन्होंने दसाया कि चोणों का बाईकाट होगा जी, तो चोणों का बाईकाट तो अजे चोणा तो देखो अजे दूर ने, पर तुहानू की लगता है तुसीं हलका इंचार्ज जिहड़े हैगे ने उत्थों दे आम आदमी पार्टी दे उन्हां तक पहुँच की है? हाँ जी की है जी, साढ़े पिंड दो तीन बारे आए ने, उन्हां को असीं हर वारी जाने मंग पत्र दिने उन्होंने, वो यही विश्वास ने कोई नहीं हो जाएगा कर लाँगे हो जाएगा कर लाँगे कोई नहीं। बी डी ओ साहब को अं चार बारी इस 15 दिनों चार बारी गए हैं, अज तक उन्होंने यही कहा भी अं सैकटरी ने चिट्ठी कटती है, उन्होंने चिट्ठी कटती है, मौका देख नहीं आने कुछ हल नहीं कर रहे जी, ना मैंबर पंचायत सरपंच कर रहे हैं कुछ, ना कोई इतने हल्के इंचार्ज कर रहे हैं। गोले इतने हैंडीकैप बहुत ज़्यादा आते हैं बेचारे डिगते हैं, गुरद्वारा साहब श्रद्धा मानना भावना मानते हैं बाबे सचन, पर इतने कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। वाहे खालसा वाहे फतेह। तुसीं देखिया जी कि पिंड वासियों का यही कहना है कि सारयां नूं जिहड़े हैगे ने मंग पत्र दिते जा चुके हैं, पर किसी वल्लों भी इहदे वल ध्यान नहीं दिता जा रहा। सिर्फ 200 मीटर की दूरी, मैं कहांगा कैमरामैन नूं कि इधर तुसीं देख सकते हो कि संगत लगातार आ रही है, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर जिहड़ा गुरद्वारा साहिब हैगा इत्थे, ते पर फिर भी जिहड़ा हैगा इन्हां वल्लों कोई भी इसका हल नहीं कढ़िया जा रहा, जिस दे कारण जिहड़ा हैगा पिंड वासियों दे विच जिहड़ा रोस पाया जा रहा। कैमरामैन विशाल मुन्ना दे नाल मैं गुरप्रताप सिंह, अजीत वैब टीवी, गुरदासपुर।